ओम शांति। 22 मार्च अव्यक्त बाप दादा का आगमन मधुबन निवासियों के मध्य में हुआ है। गोल्डन जुबली का वर्ष था और मधुबन में भी समारोह चल रहे थे और सेवा के भी प्रोग्राम बाहर बन रहे थे। तो बाबा उन सबको देखकर, हम सबको देखकर एक बहुत ही गहरी बात पूछी है कि आप सभी मास्टर रचयिता हो, यानी मास्टर क्रिएटर, तो अपनी इस स्वरूप की स्मृति में रहते हो। हम रचने वाले हैं, चाहे वाइब्रेशंस क्रिएट करने की बात हो, चाहे संगठन को मजबूत बनाने की बात हो, चाहे शांति का माहौल बनाने की बात हो, हम मास्टर क्रिएटर हैं। तो ये भूल तो नहीं जाता, ये जो तुम्हारी रचना है देह, ये तुम्हें अपने उस स्वरूप की के हम मास्टर क्रिएटर हैं विस्मृति तो नहीं करा देती। तुम इस देह के कितने मालिक बनते हो, इस पर ही आधार है। बड़ी हुई ये बात है प्रकृति के मालिक बनने का और विश्व के मालिक बनने का। देह के मालिक तो प्रकृति के मालिक, क्योंकि जो कुछ प्रकृति में है वो सब इस देह में भी है। इस पर हम विजयी तो संपूर्ण प्रकृति पर विजयी। तो हमें अपने को देखना है कि देह के मालिक, यानी जीवात्मा हम हैं तो देह में सब कुछ है। आत्मा जब देह में है तभी सब कुछ प्रकट है, इमर्ज है। तो बाबा ने कहा दो चीजों से अपनी पहचान कर सकते हो, संबंधों में न्यारापन और प्यारापन, और संस्कारों में निर्माण और निर्माण। हम सदा ही इस देह के संबंध में हैं और मनुष्यों के, वस्तुओं के, वैभवों के, सेवाओं के संबंधों में हैं। तो हम न्यारे रहते हैं, करने के बाद न्यारे हो जाना तो सबके प्यारे बन जाएंगे। देह भान से भी न्यारे, संबंधों में रहते हुए उन्हें स्नेह देते हुए लेते हुए न्यारे, ये बहुत गुह्य प्रैक्टिस है। और निर्माण यानी मान की कोई इच्छा नहीं, हमारे संस्कार ऐसे त्याग वृत्ति वाले हो गए, मान की कोई इच्छा नहीं, और निर्माण अर्थात नम्रचित निरंकारी मैपन से मुक्त, ये सब हमारी निशानियां हैं महान होने की। तो ऐसी आत्माएं दाता होंगी, देने वाले, सदा ही देने वाले, किसी से लेने वाले नहीं। और बहुत गहरी बात कही, सब चेक करेंगे अपने को, महान आत्माओं की पहचान, कि जब तुम दूसरों के संबंध में आते हो, चाहे दूर के संबंधियों, नजदीक के हों, अपने हो, पराए हों, सबको ऐसा लगना चाहिए ये हमारे हैं, जैसे बाबा के लिए लगता था। तो इस तरह हम अपनी पहचान करें और देने वाले बन जाए, लेने की कोई इच्छा नहीं, सम्मान भी देने वाले, रिगार्ड देने वाले, लेवता नहीं, देवी देने वाले, देवता देने वाले। तो ये बहुत ही गहरी बात बाबा ने हम सबको सुनाई। सेवाओं का फील्ड आ रहा है, तो बाबा ने कहा बाप दादा सभी बच्चों से ये चाहते हैं कि सभी संतुष्ट रहें और संतुष्ट करें, अपने पुरुषार्थ से भी संतुष्ट, अपनी स्थिति से, अपने संस्कारों में, अपने कार्यों में पूर्ण रूप से संतुष्ट। बाबा एक बात हमेशा जोड़ते हैं, संपूर्णता के हिसाब से, यानी वैसे तो देखो एक व्यक्ति संतुष्ट होता है कि ठीक है जो मिल गया संतुष्ट हुए, लेकिन हमें बहुत बड़ी प्राप्ति करनी है उस हिसाब से हम कर रहे हैं उसमें संतुष्ट हैं। जैसे एक थर्ड क्लास स्टूडेंट है, उसकी तैयारी जब इतनी हो जाती है कि 42-43 मार्क्स 45 तक आ जाएंगे तो खुश रहता है, लेकिन एक टॉप मोस्ट स्टूडेंट की जो संतुष्टता है वो तब होती है जब एबो 90 आएंगे, 95 आएंगे। तो हमें भी ऐसे चेक करना है। तो सेवाओं के लिए बाबा ने कहा जो संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट करेंगे, बहुत बड़ी चीज है संतुष्ट करना, तो उनकी निशानी होगी ना वो स्वयं डिस्टर्ब होंगे ना किसी को डिस्टर्ब करेंगे।
पावर, ये चाहते हैं सेवाओं के फील्ड में जहां हम हों सब डिस्टरबेंस दूर हो जाए, न कोई हमसे डिस्टर्ब हो न हम किसी बात से डिस्टर्ब हों। तो ऐसा बाबा संगठन देखना चाहते हैं, क्योंकि संगठन की शक्ति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और ये शक्ति हमारे पास सबसे ज्यादा है। बाबा कहते हैं कि और जो भी संगठन है दुनिया में उनमें तो तोड़फोड़ होती रहती है, गद्दियां हिलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारा संगठन का किला बहुत मजबूत है। बाबा दादियों से बात कर रहे, दादियां आई हुई थी, तो इस संगठन के किले को बहुत मजबूत बनाते चलो। इसलिए देने की भावना, सबको संतुष्ट करने की भावना रहे। मधुबन वालों से बात करते हुए बाबा कह रहे हैं, निश्चिंत जीवन है, कोई चिंता नहीं, सेवा की वो भी यज्ञ की सेवा, खाया वो भी ब्रह्मा भोजन, बस मेरापन न रहे, न यहाँ ये है मेरा सेंटर, न कमाने की चिंता, पैसा कहाँ से आएगा, बस मेरा डिपार्टमेंट, मैं इंचार्ज हूँ, ये भी भावना न रहे। तो बाबा संगठन की शक्ति को बहुत मजबूत बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं और कह रहे हैं, अब तक जो पुरानी चाल थी, अब वर्ष बीत गए हैं, पुरानी चाल भी बीत जाए, वो समाप्त हो जाए, तुम्हें दाता बनना है, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, अपनी विशेषताओं का सबको दान देते चलो, और जितना जितना उपराम रहेंगे, न्यारेपन में रहेंगे, अमानत समझेंगे बाबा की, तो अनासक्त वृत्ति रहेगी, और अनासक्त वृत्ति बहुत बड़ी चीज है, इससे संगठन मजबूत होता रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि संपूर्णता की शुरुआत कौन करेगा, एग्जाम्पल तैयार होना चाहिए, तो सब कहें मैं करूंगा, जो ओटे सो अर्जुन। बाबा ने थोड़े थोड़े में कुछ बातें कही हैं, संसार में भय और चिंता का माहौल बन रहा है, तुम्हें ऐसी लहर फैलानी है कि भय की जगह सुखदाई हो जाए, चिंता की जगह निश्चिंत, तुम्हारी शुभ भावनाओं की किरणें ये सब काम करेंगी। दूसरे, अकाल मृत्यु का जो सीजन है वो भी बढ़ता जाता है, लेकिन तुम अकाल मूर्त हो, अकाल मूर्त के बच्चे अकाल तख्त पर हो, तो तुम्हें सबको राहत देनी है, सबको सुंदर वाइब्रेशंस देने हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, दृढ़ता से तुम्हें सफलता मूर्त बनना है, तो दृढ़ता हो, उमंग उत्साह रहे, हिम्मत बहुत ज्यादा रहे, तो हर कार्य में सफलता होती रहेगी। हम सब जानते हैं पुरुषार्थ में भी, सेवाओं में भी, लौकिक कार्यों में भी, जितना दृढ़ संकल्प होता है अलबेलापन आलस खत्म हो जाता है और श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त हो जाती है। स्लोगन हमें याद दिलाता है कि अपने को और अपनी हर चीज को प्रभु की अमानत समझो, तो रूहानियत की शक्ति बढ़ जाएगी। तो आज हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा प्रकृति सिंहासन पर विराजमान हूँ, ये मेरा देह है, देह से न्यारेपन की गहरी फीलिंग करनी है, मालिक हूँ संपूर्ण प्रकृति का, इस देह का, हर घंटे में एक बार, चाहे वो आधे मिनट के लिए हो, इस देह से न्यारेपन की डीप रियलाइजेशन करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.